तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जिसन अहमद में। और आज हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर, कल हम लोगों ने बेस थ्योरम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था और उस थ्योरम को सही तरीके से एनालाइज़ किया था और डिस्कस किया था। और आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हम लोगों ने दो क्वेश्चन पिछले लेक्चर में डिसाइड किया था, डिस्कस किया था, और आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि देयर इज़ वन यूज़र विच कंटेंट्स आइदर 40% ब्लैक बॉल्स और 60% ब्लैक बॉल्स, ओके, एंड बोथ दीज पॉसिबिलिटीज आर कंसिडर्ड इक्वली लाइकली, ओके। ए बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम एंड फाउंड टू बी ब्लैक, देन ए वॉट इज द प्रोबेबिलिटी एंड डेट द यूजर हैज 60% ब्लैक बॉल्स, एंड बी नेक्स्ट अनदर बॉल इज ड्रॉन आफ्टर रिप्लेसमेंट एंड दिस वन इज ऑल्सो फाउंड टू बी ब्लैक, वॉट इज द न्यू प्रोबेबिलिटी डैट द यूजर कॉन्टेंट 60% ब्लैक बॉल्स, ओके। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो लेट बी वन बी द इवेंट डैट यूजर कॉन्टेंट्स 40% ब्लैक बॉल एंड बी टू बी द इवेंट डैट द यूजर 60% ब्लैक बॉल एंड ए द इवेंट डैट द यूजर द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, ओके। तो ए नंबर कह रहा है कि हेयर वी हैव टू फाइंड पी ऑफ बी टू बाई ए, सिंस देन द इवेंट लाइकली पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी टू, तो दोनों का वैल्यू 1/2 हो जाएगा और 1/2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, ओके। एंड पी ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी वन क्या होगा आपका, 40% यहाँ पे दिया हुआ है 40%, तो 40% को हम 40/100 लिखेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा 0.4 आएगा, ओके। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी टू क्या हो जाएगा आपका, 60% हो जाएगा, जो कि 60% का वैल्यू कितना है 0.6 हो जाएगा, क्योंकि 60/100 हम लोग करेंगे तो 0.6 आ जाएगा, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू बेस रूल क्या कहता है, पी ऑफ बी टू बाई ए क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए बाई बी टू इंटू पी ऑफ बी टू और डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए बाई बी टू इंटू पी ऑफ बी टू, यानी वही चीज यहाँ पे सेम रिप्लेस हो जाएगा, प्लस पी ऑफ ए बाई बी वन इंटू बी टू, ये आपका हो जाएगा। और सिंपल सा हम लोग सारी चीजों का जो वैल्यू है उस वैल्यू को लिया के हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, सेट करेंगे, ओके। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 0.6 × 0.5 आ जाएगा और यहाँ पे 0.6 × 0.5 प्लस 0.4 × 0.5 आ जाएगा। यहाँ से जो फाइनली आंसर आएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन हम सॉल्व करेंगे तो 0.6 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और सीसी में बी नंबर है कि इन दिस केस पी ऑफ बी टू क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा और पी ऑफ बी वन कितना दिया है, 0.4 हम लोगों ने पिछले कॉन्सेप्ट में देखा, और एंड सो एंड ऑल्सो पी ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी वन कितना, 0.4, ओके। एंड पी ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी टू कितना है, 0.6 है, और पी ऑफ बी टू डिवाइडेड बाई ए हम लोग को फाइंड करना है, तो उसके लिए पी ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी टू इंटू बी वन बी टू और डिवाइडेड बाई पी ऑफ, यही चीज रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे, और पी ऑफ ए बाई बी वन इंटू पी ऑफ बी वन, ओके। तो यहाँ से सिंपल हम लोग सारी चीज़ों का जो वैल्यू है पुट करेंगे, और पुट करने के बाद सिंपल सा कैलकुलेशन आप लोग आसानी से इससे कर सकते हैं, 0.69 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास कह रहा है कि दीज आर थ्री प्लांट्स इन फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट इंडिपेंडेंटली, एक्सपीरियंसेस आर डेट 2%, 4% and 5% ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड बाई द रिस्पेक्टिव प्लांट्स आर डिफेक्टिव, द डेली आउटपुट ऑफ द रिस्पेक्टिव प्लांट्स आर 2,000, 3,000 and 5,000 units. इफ An item is selected that random from a day's output of the three plants is found to be defective, then find the probability that case produced by the second plant, okay? तो सबसे पहले हमें लेट करना है कि लेट B1, B2 and B3 be the three events of an item being produced by the first, second and third, यानी first, second, third के लिए हम लोगों ने B1, B2, B3 लेट किया, and respectively let A be the event of an item produced being defective. A को हम लोगों ने क्या लिया, डिफेक्टिव पीस के लिए हम लोगों ने A लेट किया, and now that we have the following being defective, P of B1 कितना हो जाएगा, 2000 divided by 10,000 हो जाएगा, ओके, और P of B2 3000 divided by 10,000, तो जो कि आपका 0.6 आ जाएगा,
और यहाँ से हम लोग फिर B3 हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5000 डिवाइडेड बाई 10000 तो 0.5 आ गया, ओके। एंड पी ऑफ ए डिवाइडेड बाई B1 कितना हो जाएगा, 2% बोल रहा है तो 2 डिवाइडेड बाई 100 होगा, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। और पी ऑफ A डिवाइडेड बाई B2 कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 100 होगा, 0.04 हो जाएगा। और पी ऑफ ए डिवाइडेड बाई B3 0.05 हो जाएगा, ओके। और यहाँ से फाइनली हम लोग इस फॉर्मूले पे सेट करेंगे बेस रूल के फॉर्मूले पे, तो यहाँ से फाइनल जो वैल्यू आएगा पी ऑफ B2 बाई A का 0.04 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.04 इंटू 0.3 प्लस 0.02 इंटू 0.2। तो ये फाइनल से कैलकुलेशन है, आप लोग आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और डायरेक्टली इसका आंसर हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 41, ओके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर ही बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।